हेलो माय डियर फ्रेंड्स वन सेगन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार वालों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं होली के जितने भी रंग होते उतने ही रंग आपके गार्डन में पूरे साल भर ऐसे ही बने रहें और आपके प्लांट बहुत ही खुश और हेल्दी रहें तो आज वीडियो में आपके साथ मैं अपने टेरिस गार्डन का छोटा सा एक ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ कि स्प्रिंग सीजन और मार्च मंथ में मेरे गार्डन में अभी कौन कौन से फ्लावर प्लांट खिल रहे हैं और प्लांटों के नेम आपके साथ शेयर करूँगी और फ्रेंड्स फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट ऐड किया है तो आपके साथ शेयर भी करूँगी और कुछ फ्रूट्स हार्वेस्टिंग भी करनी है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेलैकिन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ ये मेरे टेरेस गार्डन में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पोच बना हुआ है और छत की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि सेकलेंड्स से और कुछ जो इंडोर और शेड लविंग प्लांट होते हैं उनको मैं यहाँ रखती हूँ और विंटर के अनगिनत प्लांट अभी भी फ्लावरिंग कर रही है मेरे गार्डन में तो ये स्टैंड है सेकुलेंट्स से और कुछ शेड लविंग प्लांट के लिए लेकिन इस टाइम तो मैंने सारे विंटर प्लांट को यहाँ रख दिया है और कुछ आगे है वो भी शेयर करूँगी तो सबसे पहला प्लांट है पिटोनिया पिटोनिया इसलिए फ्रेंड्स से क्योंकि इस बार मैंने गार्डन में ढेरों सारे पिटोनिया ऐड किया है और ये सीरेनियम के जो फ्लावर हैं फ्रेंड्स से ये टू मंथ हो गया है खिले हुए और इस टाइम इनका कलर थोड़ा सा हल्का हो गया है और इस साइड है ये डेंथस डेंथस परमानेंट फ्लावर प्लांट है फ्रेंड्स इसे ज़रूर मैं अपने गार्डन में रखती हूँ पूरे साल भर ये प्लांट फ्लावरिंग करता है और यहाँ पर है सालविया सालविया भी परमानेंट प्लांट है हम मेरे गार्डन के लिए और यहाँ से वहाँ तक देखिए सारे विंटर के प्लांटें हैं फ्रेंड्स जो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको ज्यादा मैंने इस साइड रखा है और इसे मबल से या मंकी फ्लावर से कहते हैं ये तो फ्रेंड्स धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो इसे इस साइड मैंने रखा है और ये फ्रेंड्स दिसंबर से लेके जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई और फेब लास्ट से और मार्च स्टार्टिंग और इस टाइम तक होली तक इतनी अधिक मात्रा में ये प्लांट फ्लावरिंग कर रही है और इस बार मैंने दो कलर ऐड किया है और दोनों कलर बहुत खूबसूरत हैं और ये एक ब्रांच मेरा ख़राब हो गया है तो अगर आपके पास ये प्लांट है फ्रेंड्स तो आप उसे धूप से ज़रूर बचाइएगा तो अप्रैल तक ये प्लांट बहुत आराम से फ्लावरिंग करेगी और सुंदर है इनके फ्लावर्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम ऐड करके और यहाँ पर सारे मेरे सेकलेंड्स के कलेक्शन हैं आपको पता है और ये साइड फ्रेंड्स पिटूनिया के दो प्लांट मैंने रखे हैं पिटूनिया ये तीसरा प्लांट भी है और ये जेरेनियम इस बार मैंने फ्रेंड्स हैं अपने मदर प्लांट से जो मेरा पुराना प्लांट था लास्ट ईयर के इतने सारे प्लांट मैंने तैयार किया है ये देखिए चलिए उधर ही मैं दिखा देती हूँ ये दो प्लांट हैं यहाँ पर ये जेरेनियम के और इसी दो प्लांट से मैंने इस बार ढेरों सारे प्लांट तैयार किया है आगे दिखाती हूँ पहले इनके फ्लावर्स आप देखिए फ्रेंड्स जेरेनियम एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है विंटर सीजन में हम इसे कटिंग से और नर्सरी से लाके ग्रो कर सकते हैं और एक देखिए रिजल्ट आपके सामने है इसे पॉलीबैग में मैंने कटिंग से ग्रो किया और रिपोर्ट भी नहीं कर पाई और छोटे से प्लांट में इसमें फ्लावरिंग हो रही है और ये सामने फ्रेंड्स कम से कम छः प्लांट हैं आठ इंच के मैंने प्लास्टिक के पॉट में इनको लगा रखा है और सब में फ्लावरिंग भी हो रही है और इनमें बर्ड लगे हुए हैं और ये सारे कटिंग का रिजल्ट है फ्रेंड्स मैंने बहुत बार आपके साथ कटिंग के ऊपर वीडियो शेयर किया था कि जेरेनियम को कटिंग से ज़रूर ग्रो करें और मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं इतने सारे कटिंग्स हैं और एक प्लांट को तो मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया है तो इसे अभी शेड की ज़रूरत है फ्रेंड धूप में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और ये मेरा कटिंग का प्लांट है देखिए कितना सुंदर और इतना हेल्दी जैसा लग रहा है कि नर्सरी से प्लांट परचेज़ करके लाएँ और इसका एक एक प्लांट फ्रेंड से टू हंड्रेड रुपीज़ में मिलता है तो इस टाइम अगर आप ऐड करेंगे तो पूरे साल के लिए आपके पास ये प्लांट रहेगा और यहाँ पर पेंजी या जैसे बटरफ्लाई कहते हैं इस बार मैंने इसके भी तीन से चार कलर ऐड किया है और सब में इतनी हैवी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है और यहाँ पर फिर से एक पिटूनिया है ये देखिए पिटूनिया पीछे तक ये फ्रेंड्स है और इस साइड भी है, आगे दिखाऊंगी मैं और ये व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगा मुझे और ये येल्लो में ये लगता है जैसे कोई बटरफ्लाई बैठा है इसीलिए से बटरफ्लाई कहते हैं और ये सीड के लिए फ्रेंड्स से इस टाइम मैंने इनको पिंच नहीं किया क्योंकि अब मुझे सीड कलेक्ट करना है और क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेंड्स रात को ठंड बहुत अच्छी खासी हो जाती है और मैं वैसे भी शेड में रखती हूँ तो ये प्लांट बहुत आराम से मई तक फ्लावरिंग करती रहती है और यहाँ पर बिना फूल का जो पौधा कोलियस कितना सुंदर लग रहा है और हैंगिंग बास्केट में मैंने इस बार बहुत सारे सेकुलेंट्स को ग्रो किया है कटिंग से परसों भी सेकुलेंट्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर है क्रोटन क्रोटन तो बहुत सारे हैं लेकिन इस क्रोटन को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए इनकी नई ग्रोथ आप देख सकते हैं अभी तो मार्च से इनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और कटिंग भी बहुत आराम से इस प्लांट की लग जाती है और इस फ्लावर प्लांट को फ्रेंड्स मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड किया है इसे क्राउन डेजी कहते हैं काफ़ी सालों से मैं इसे सर्च पे थी और अब जाके मुझे कहीं से मिला वो भी सीड और सीड से मैंने ग्रो किया है विंटर सीजन में और इस टाइम मार्च में इनमें फ्लावरिंग हो रही है और मई जून तक इसमें बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होती है और यहाँ पर डेंथस की एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है और ये इंग्लिश आई वी फ्रेंड्स जिससे मैंने कटिंग से ग्रो किया है और काफ़ी अच्छा और हेल्दी ये प्लांट है और इस साइड फ्रेंड से देखिए ये जरेनियम के फ्लावर और ये देखिए पर्पल हार्ट में फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है इस टाइम बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर खिलता ही है ये और फ्रेंड्स से इस फ्लावर प्लांट के बारे में मुझे नहीं पता है इसके नाम नहीं पता है मुझे तो किसी को पता है तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और पेपर की तरह इनके फ्लावर्स होते हैं दो दिन ही लगे रहते हैं उसके बाद ये जल्दी से झड़ जाते हैं और यहाँ पर भी मैंने कुछ ये सीड से ग्रो किया है इसी प्लांट को काफ़ी अच्छा चल रहा है ये भी कहीं से लेके आई थी मैं दोनों प्लांट को और दोनों प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो भी हो गया और फ्लावरिंग भी आ रही है और इसमें पेंटास में, में देखिए जो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया था प्रोनिंग भी की थी और फर्टिलाइज़र भी दिया था और छः इंची के पॉट में मैंने लगा रखा है और इसमें बर्ड आना शुरू भी हो गया है और इस साइड है फ्रेंड्स से ये मेरे सारे क्लैंचों के कलेक्शन जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है और उसमें फ्लावरिंग भी अनगिनत हो रही है और एक कलर नहीं फ्रेंड्स से इस बार मैंने चार से पाँच कलर अपने गार्डन में ऐड किया है और जितने भी प्लांट्स मैंने कटिंग से ग्रो किया है हर प्लांट में फ्लावरिंग आ रही है देसी हाइब्रिड दोनों में फ्लावरिंग हो रही है और ज़्यादातर फ्रेंड्स मैंने पाँच इंच से लेके छः सात इंच तक के पॉट में इनको ग्रो किया है और एक तो तीन इंच के पॉट में भी है और एक ही पॉट में मैंने दो दो कलर को भी ऐड किया है और अभी फ्लावरिंग हो रही है तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाइट कलर देखिए हाइब्रिड और ये देसी और ये भी देसी येलो कलर का काफ़ी सुंदर लग रहा है और तीन साल से इसी पॉट में काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा ये प्लांट और ये एक बार फ्लावरिंग कर चुकी है फ्रेंड्स इसे मैंने प्रूनिंग कर दी है और प्रूनिंग करने से इतने सारे इनके न्यू ग्रोथ तो नज़र आ रहे हैं और ये बेरीगेटेड वाले लीव्स वाला क्लैंचो है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और क्लैंचो इतना सुंदर और एक परमानेंट और हार्डी प्लांट होता है एक बार फ्लावर अगर खिल जाए तो एक महीने तो कह नहीं सकते फ्रेंड्स अगर तेज़ धूप में रख रहे हैं तो भी एक महीने तक ऐसे खिले रहते हैं और अगर आपने थोड़ा सा शेड में रखा जैसे मैंने रखा है ग्रीन नेट के नीचे या मॉर्निंग की एक घंटे की धूप में तो कम से कम तीन महीने तक ऐसे ही फ्लावर इनके रहते हैं और मई और जून में इनके सीड तैयार हो जाते हैं फिर से और वाइट पिंक येलो और ऑरेंज और कलर भी मैंने ऐड किया है और ये देखिए प्लास्टिक के बोतल में मैंने पानी पीने की बोतल में मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया है और इतनी हेल्दी कटिंग से मेरे ग्रो भी हो गया और फ्लावर्स आप खुद देखिए कि आपको कैसा लग रहा है तो बीकर पड़े बर्तनों में और बोतलों में मैं यूज़ करती हूँ प्लांट्स को लगाने में उसके ऊपर भी वीडियो शेयर किया है तो आप देख सकते हैं और ये हाइब्रिड देखिए कितना सुंदर और इतना हैवी ये प्लांट मेरा हुआ है इस बार और ये ऑरेंज कलर का काफ़ी सुंदर है ये मुझे ये कलर काफ़ी पसंद है और ये सिंगल ही कटिंग मुझे मिला था कहीं से लाके मैंने लगाया तो आगे इस बार मल्टीप्लाई ढेरों सारे करूँगी अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है तो इस टाइम भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते इस प्लांट को और ये देखिए एक छोटा सा ब्रांच टूट गया तो ये भी लग जाएगा फ्रेंड्स से अगर मैं इसे सॉइल में लगा के रख दूँगी शेड वाली एरिया में तो ये लग जाएगा आराम से और यहाँ पर ये पिंक कलर का सिरेनियम ये भी टू मंथ हो गया है फ्रेंड से खिले हुए तो छाए में रखने से चल भी रहा है और लेकिन कलर थोड़ा सा इसका लाइट हो गया है डार्क कलर था और ये सेम वही फ्लावर है काफ़ी सुंदर है और इस साइड मेरे ये सारे कैक्टस के कलेक्शन है फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और मैरीगोल्ड तो इस टाइम अभी ख़त्म हो गया हल्के बुल्के हो रही है लेकिन गजीरिया में काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है ये देखिए ये भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है फ्रेंड्स इसे मैंने शेड में रखा है और जून तक मैं इसे शेड में रखती हूँ और अभी मुझे इसमें से फ्लावरिंग और अधिक मात्रा में लेना है इसीलिए मैं इसको पिंच करके हटा दे रही हूँ अभी मुझे सीड इसमें से कलेक्ट नहीं करना है मई लास्ट में कलेक्ट करूँगी तब इनके फ्लावर को पिंच नहीं करूँगी मैं और इस साइड भी देखिए तीन पॉट में मैंने लगा रखा है सेम ही कलर है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इनमें फ्लावरिंग हो रही है इनके फ्लावर्स ऐसे लगते हैं फ्रेंड्स जैसे आ, किसी ने इसके ऊपर कलर कर रखा है देखिए कितना सुंदर कलर होते हैं इनके और ओनली ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ में ये मिल जाते हैं और इस टाइम भी अगर मिल रहे होंगे फ्रेंड्स तो आप इस विंटर सीजन के प्लांट्स को परचेस कर सकते हैं लेकिन शेड में रखना है आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं तो ये प्लांट्स नेक्स्ट सीजन के लिए रहेंगे आपके पास और इस साइड फिर से पिटूनिया हैं और रोज़ के प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ है फ्रेंड्स अभी मैंने प्रोनिंग के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर किया था और यहाँ पर देखिए ये जेड्रोफा जेड्रोफा की प्रोनिंग करने से नई ग्रोथ तो इनकी ग्रो हो गई है और देखिए फ्लावर आना शुरू भी हो गया है ये भी एक हार्डी परमानेंट फ्लावर प्लांट है और समर में बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करती है और इस साइड मेरे सारे कैक्टस के कलेक्शन है तो जो फ्रूट प्लांट मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड किया है ये सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं मेरी छोटी सी लड़की है आठ साल की उसे फ्रूट प्लांट बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी तौर से तो उसकी डिमांड पे इस बार मैंने जनवरी में इस सारे प्लांट्स को लेके आई थी पांच प्लांट्स हैं और इसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था वर्मी कंपोस्ट वन मंथ के बाद बाद और इसमें गुड़ाई भी कंटिन्यू करती रही फर्स्ट टाइम ऐड किया इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था और इतना अच्छा रिजल्ट दिया है ये देखिए फ्रूट आप देख सकते हैं और इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है मतलब आगे भी लगने वाला है इसमें फ्रूट्स और चलिए थोड़े से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ तो छोटे हैं और कुछ ज़्यादा बड़े हो गए जिनको अभी हार्वेस्ट कर लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा काफ़ी बड़े बड़े साइज के स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं और मेरी गुड़िया बहुत दिनों से परेशान है तो मैंने सोचा वीडियो में शेयर भी कर दूंगी उसके बाद आपको मैं दे दूंगी तो चलिए थोड़े से हार्वेस्टिंग कर लेते कुछ ही है ये काफ़ी बड़ा है देखिए कितना बड़ा और हैवी एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी है घर का तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई फ्रेंड्स मुझे आ, फ्रूट प्लांट लगा के तो आगे मैं सोच रही हूँ कि आगे भी मैं फ्रूट प्लांट लगाऊँ अपने गार्डन में तो ये तो कुछ छोटे हैं तो इनको नहीं तोड़ती हूँ ये काफ़ी बड़ा है तो ये भी ले लेती हूँ और ये कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स अभी जैसे बहुत तेज़ धूप है तो मैं धूप में ही रख रही हूँ इनको जिससे ये जल्दी से पक जाए तो ये मार्च अप्रैल तक इनमें बहुत अच्छी मात्रा में स्ट्रॉबेरी लग जाएंगे तो ये था छोटा सा टेरेस गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स से तब तक के लिए नमस्कार बाय हैप्पी गार्डनिंग टेक केयर